मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अब से सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक नया एग्ज़ाम कंडक्ट करने की शुरुआत की है, जिसका नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें देश के कुल 54 विश्वविद्यालयों में से 45 विश्वविद्यालय भाग लेंगे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पहले CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था, जिसमें देश भर के सभी बच्चों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलता था, जिसमें सिर्फ DAVV में ही एडमिशन होता था। लेकिन अब से DAVV CUET से बच्चों को एडमिशन लेगी, जिसकी मदद से देश भर के सभी बच्चों को विश्वविद्यालय में आने का मौका मिलेगा। ये एग्ज़ाम 3 घंटे की होगी। इसमें 3 भाग होंगे। पहला भाग होगा भाषा, दूसरा भाग होगा कोई भी एक विषय, और तीसरा भाग होगा सामान्य ज्ञान। बच्चों को इसके लिए 3 घंटा मिलेगा, जिसमें बच्चे अपने हिसाब से हर एक भाग को अपने हिसाब से समय दे सकते हैं। ये परीक्षा कुल 13 भाषा और 154 सेंटरों में होंगी। विद्यार्थियों के लिए यह एक सुनहरा मौका है, जिससे विद्यार्थी देश भर के सभी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश ले पाएंगे।